मैं तो पहली मर्तबा आपके हुजूर में आया हूं, आपने मुझे कोई फरमान नहीं किया है। इमाम ने फरमाया हां मैंने तुमको फरमाया है। कहा आपके दादाजान ने फरमाया था। इस बात खत्म हो गई, हमने फरमाया था। एक ही नूर है, जमाने का कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस इमाम का जामा है, वो नूर है, अजली है और अबदी है। हम नूर के साथ चलते हैं, हमारा ताल्लुक किसी इमाम की शख्सियत से नहीं है, नूर इमामत से है। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे यहां किसी गुज़श्ता इमाम के कब्र पे जाना या उनके साथ कोई मुनासिबत रख के कोई परस्तिश की हद तक चले जाना साफ मना है। पीरों के कब्र तक जाने की तो बात ही नहीं है, किसी इमाम के कब्र पे जाने की भी हमें मनाही है, इसलिए कि हमारे पास एक ही इमाम है, हाजिर इमाम, और वो हमारी जान पर, हमारे माल पर, हमारी औलाद पर, हमारे जिंदगी पर, तमाम चीजों पे मुकम्मल इख्तियारात रखते हैं, और ये इख्तियारात हमने कबूल किया है। हमारी भलाई, हमारा फायदा इसी में है कि जो इमाम फरमाए उसके मुताबिक चले। बाप अगर रास्ते से जाता है अपने बेटे को अपनी उंगली पकड़वा कर, तो बेटे की भलाई इसी में है कि बाप की उंगली थामे हुए चले। उंगली छोड़ के यहां वहां भागेगा तो गाड़ी के नीचे आ जाएगा। आपने देखा है चरवाहा बहुत सारे बकरियों को लेकर चराने जाता है, बकरियों की भलाई इसी में है कि चरवाहा जहां ले जाए, जहां रखे वहीं रहे, वरना अपनी मर्जी से यहां वहां जाएंगे तो आप मुरादा जीव दोजख पड़िया। आप मुरादा यानी बस मेरे जी में जो आए मैं करूंगा अपनी मर्जी के मुताबिक, जो आप मुरादा हो जाता है पीर फरमाते हैं वो दोजख में जाता है, वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। मौलाना ने फरमाया हम जो फरामीन तुम्हें फरमाते हैं तुम्हारी भलाई के लिए है। कितने इमाम शफकत रखते हैं, कितनी इमाम मोहब्बत रखते हैं कि प्यार मोहब्बत से हमें समझाते हैं कि तुम अपनी जिंदगी को इस तरह उस्तवार करो, तुम्हारी भलाई इसी में। मौला ने फरमाया कि हम पर हजार दुख पड़े, हम पर सौ दुख पड़े, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम्हारे पांव में कांटा भी चुभे, हम नहीं चाहते कि तुम्हें एक सुई भी चुभोया जाए। लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरिसुम अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, कि तुम्हारे दरमियान एक रसूल आया है, तुम्हारे दरमियान एक पैगंबर आया है, जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उस पर बहुत गिरां गुजरती है। मौला ने फरमाया कि जब तुम दुखी होते हो तो मैं दुखी होता हूं, जब तुम हंसते हो तो मैं भी हंसता हूं। बहुत जगह इमाम ने फरमाया कि जब तकलीफ हो खुदा को याद करो, ठीक है, खास तौर पर यह सताड़े के बारे में है कि सताड़े डालते हो तकलीफ के वक्त, अच्छी बात है। जब हालात अच्छे हैं खुशियां मनाओ, यह भी मौला का फरमान है, इबादत छोड़ने का फरमान नहीं है, सताड़े के लिए है कि 12 महीना सताड़ा ही नहीं डाला करो, जब तकलीफ हो तब डालो वरना सताड़े का असर नहीं रहेगा। जब तकलीफ खत्म हो जाए, आराम का जमाना है, तो खुशियां भी मनाओ। तुम्हारा इमाम तुम्हारे बीच में जिंदा है, इमाम हमारी फलाह हमारी बहबुदी को देखना चाहते हैं। उमिर तुलिसलाह दुनिया कुम व नजाती आखिरती कुम, मैं तुम्हारे दरमियान तुम्हारे दुनियावी भलाई के लिए और तुम्हारे आखिरत की नजात के लिए भेजा गया हूं, तुम्हारे दुनिया का भी फरमान करता हूं, तुम्हारे आखिरत का भी फरमान करता हूं। इमाम ने अपना बहुत बड़ा वक्त हमारी दुनियावी जिंदगी के लिए दिया है। सरकार के 48वें जामे का एक फरमान है कि मेरा 99% वक्त 99% टाइम जमात की दुनियावी फलाह और बेबुदी के लिए सर्फ होता है, सिर्फ 1% बचता है कि वो रूहानी हिदायत देते हैं। इसलिए मौलाना ने फरमाया कि अगर मैं ऐसा न करूं तो तुम्हारे दुनियावी मामलात को भी नुकसान पहुंच सकता है। मौला हमारी दोनों जहान की बहबूदी चाहते हैं,
दुनिया का कोई मजहबी उस्ताद, दुनिया का कोई मजहबी गुरु ऐसे फरामीन नहीं फरमाता होगा, इतने डिटेल्स में नहीं जाता होगा जितना इमाम जाते हैं। कितनी तफसील के साथ मौला ने एक एक फरमान हमको फरमाया है, हमारे उठने बैठने के बारे में, हमारे खाने पीने के बारे में, रहन सहन के बारे में, और फिर रूहानी बात, रूहानियत का हम बाद में जिक्र करेंगे, हमारे दुनियावी जिंदगी के बारे में, हमारे सेहत के लिए, हमारे खाने पीने के लिए, हम क्या खाते हैं, किस तरह पकाते हैं, विटामिन रहती है या जल जाती है, उसकी फिक्र भी हाजर इमाम को है, हमें नहीं है। इमाम फरमाते हैं कि मेरी बेगम मेरा खाना खुद पकाती है, अपने हाथ से काम करती है, लेकिन हमारे यहां नौकर पकाते हैं। मौला ने फरमाया ऐश और इशरत की जिंदगी मत गुजारो, खुदा ना खास्ता कल तकलीफ का जमाना आए तो तकलीफ महसूस ना हो। सादगी के लिए, किफायत शारी के लिए, संभाल के जिंदगी गुजारने के लिए इमाम ने इतने फरामीन फरमाए हैं कि उसकी तो इंतहा हो गई है। आखिर हम चाहते क्या हैं अपने मौला से? तारीख इस बात की गवाह है कि जब जब इस्माइलियों ने अपने जमाने के इमाम के फरमान पे अमल किया है वो सुखी हुए हैं, आबाद हुए हैं, मसाइल पर काबू पाया है। जहां जहां नाफरमानी की है वहां वहां तकालीफ आई है, नुकसान उठाना पड़ा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि जब इस्लाम की तबलीग कर रहे थे तो इस्लाम की डिफेंस के लिए हुजूर को कुछ लड़ाइयां लड़नी पड़ी। इसमें से इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग जंगे बदर के बाद जंगे ओहद है। नबी साहब जब जंगे ओहद में गए तो आप जायजा ले रहे थे, आपने देखा कि पहाड़ी के बीच में, यानी जब मसलन दुश्मन के फौज को फेस किए हुए हैं तो पीछे से पहाड़ी के बीच में एक रास्ता है जहां से कोई भी आ जा सकता था, तो हुजूर ने अब्दुल्ला बिन जबीर के साथ कुछ फौजी दस्ते रखे कि तुमको यहां अपने कमान के साथ खड़ा रहना है, मुसलमानों की फतह हो या शिकस्त हो तुम्हें यह दर्रा नहीं छोड़ना है। स्ट्रिक्ट फरमान था कि मुसलमान हारते हैं या जीतते हैं तुमको यहां से टस से मस नहीं होना है। अच्छी बात है, लड़ाई शुरू हुई, मुसलमान जीत गए और माले गनीमत जमा करने लगे तो इनको ख्याल आया कि बस अब तो किस्सा तमाम, चलो थोड़ा माल बटोरते हैं। हुजूर का फरमान याद नहीं रहा या याद रहा तो अहमियत कम हो गई कि भाई अब तो जीत गए, जीतने और हारने दोनों सूरतों में वहां से छोड़ने की मनाही थी। सब चले माले गनीमत जमा कर रहे हैं। खालिद बिन वलीद जो उस वक्त दुश्मनों के साथ लड़ रहा था, दुश्मनों के साथ होकर उसको मौका मिल गया कि दर्रा खाली पड़ा है, अपनी फौज को लेकर घूम कर आया, पीछे से हमला किया और आप तारीख में देखें कि फैसला नहीं कर पाते कि मुसलमान जीते हैं या हारे हैं। इतनी बुरी तरह मार पड़ी मुसलमानों को कि ये बात मशहूर हो गई कि नबी साहब भी शहीद कर दिए गए हैं और मुसलमान भाग रहे थे, बड़े बड़े सहाबी भाग रहे थे, जबकि मौला मुर्तजा अली सिना सिपर होकर नबी साहब की हिफाजत के लिए खड़े थे। जो बाद में खलीफा हुए सब भाग रहे थे। कहने का मकसद था गलती एक है कि हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें यहां से नहीं हटना है तो नहीं हटना है, कुछ भी हो जाए नहीं हटना है। अगर हमने अपने जमाने के इमाम के फरमान की अहमियत को कम की है, इमाम का कुछ भी नहीं जाएगा, हमें भुगतना पड़ेगा। एक जमाना था इमाम फरमाते थे गाड़ियां कम चलाओ, पैदल चला करो, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, पेट्रोल और टायर का भी बचाव होगा। कहां कहां सोचते हैं इमाम, जो कभी हमने भी नहीं सोचा होगा कि हफ्ते में एक आध मरतबा पैदल चला करो। पिछले दिनों हमारे सेंट्रल हेल्थ बोर्ड के प्रेसिडेंट डॉक्टर ताजुद्दीन मंजी ने गार्डन में एक तकरीर की जमात खाने में, स्कूल हेल्थ, बच्चों के हेल्थ के बारे में, शायद आपको मालूम होगा,
उन्होंने वहां इंकशाफ किया कि प्लेटिनम के इलाके में 105 डायबिटीज के केसेस हैं। ये तुर्रा इम्तियाज भी इस्माइलियों को हासिल है। न मालूम प्लेटिनम कॉलोनी के लिए कहा या गार्डन वेस्ट के लिए कहा, लेकिन 105 डायबिटीज के केसेस कैसे आती। इमाम ने फरमाया वर्जिश करो, पैदल चलो, लेकिन हमें यहां से गार्डन जमात खाने जाना हो तो भी गाड़ी में जाते हैं। ये तो फिर भी दूर है, अलबेला से भी गाड़ी में जाते हैं, रियल से भी गाड़ी में जाते हैं, और फिर वहां शो होता है। ओहो हो, इस्माइलियों के हर एक के पास एक एक गाड़ियां हैं, तो कल दुश्मन की नजर नहीं पड़ेगी तो क्या होगा। इमाम ने गाड़ियां बसाने की मना नहीं की है, इमाम शो करने का मना करते हैं, लेकिन हम है कि भाई जेब में 10 रुपया है तो 10 बढ़ा के 100 का ही नुमाइश करना चाहते हैं, वरना पता कैसे चलेगा कि मेरे पास क्या है। अरे भाई हम जमात खाने में लिबास ना दिखाए तो किसको दिखाए, बस ठीक है दिखाइए, फिर कल मत कहना कि इमाम ने हमको नहीं बताया था। इमाम ने फरमाया कि मैं अपने जमात को वादे कर देना चाहता हूं कि कल मेरी जमात ये न कहे कि इमाम ने हमें नुमाइश करने के लिए मना नहीं किया था। यह इमाम की आखिरी वार्निंग है, समझ लीजिए, आखिरी वार्निंग है इमाम की। मौला ने फरमाया कि हमारे मजहब में निकाह के सिवा और कोई रस्म ही नहीं है। अच्छा भाई शामियाना नहीं बांधेंगे तो 3-4 फ्लैटों में जमा होकर खाना खिला देंगे, क्या फर्क पड़ता, करना तो है कुछ ना कुछ, जबरदस्ती। यानी क्या हमने ठान ली है कि वाकई इमाम जो फरमाए या काउंसिल जो कहे उसके खिलाफ हमें किसी ना किसी सूरत में जाना ही है, नुकसान हमारा अपना है। जमात के लीडर, जमात के मुखी कामड़िया, जमात के अमलदारान इसके लिए मिसाल कायम करेंगे, और अगर वो नहीं करते हैं तो ना करें, फरमान सबके लिए है। जो काउंसिल के फरमान के खिलाफ जाते हैं, इमाम के फरमान के खिलाफ जाते हैं अमलदारान, उनकी हौसला अफजाई कभी ना करे, ताल्लुकात अलग रहते हैं, पहले फरमान आता है, ताल्लुकात बाद में आते हैं। फरमान बरदारी में अगर मेरी दुश्मनी भी किसी से होती है तो हो जाए, मैं जमात का मुखी हूं, कामड़िया हूं, काउंसिल का प्रेसिडेंट हूं, अगर कहीं नाफरमानी होती है तो पहले मैं मना करूं और मैं खुद भी शिरकत ना करूं उसमें, ताकि उनकी हौसला अफजाई ना हो कि चलो भाई मुख्य कामड़े आते हैं, काउंसिलर्स आते हैं, चलो फर्क नहीं पड़ता है, ये तो हम हौसला अफजाई कर रहे हैं। और याद रखिए हमें जो जी में आए वो करने की हमें इजाजत नहीं है। आप ये कहें ठीक है काउंसिल का फरमान है, सुहे ये मेरा इंडिविजुअल मामला है, शख्सी आजादी है, मैं जो चाहूं से करूं, आप एक जमात के फर्द हैं और आप जो कुछ करते हैं उसके लिए पूरी जमात बदनाम होती है, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा, उसका जवाब कौन देगा। आप जमात से बाहर रहकर फिर ये काम करें, लेकिन जमात में रहकर आप ऐसे काम नहीं कर सकते हैं जिसके लिए पूरी जमात बदनाम हो। एक आदमी, एक इस्माइली बदकारी करता है, बुरा काम करता है, जेल में जाता है, लोग कहते हैं इस्माइली जेल में गया, नाम नहीं लेते हैं, इस्माइली ने बुरा काम किया, इस्माइली स्मगलिंग करते हैं, इस्माइली फलान काम करते हैं, नाम तो पूरी कौम का आता है। पिछले दिनों हमें एक वाकया की खबर मिली, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे किसी नौजवान भाई या बहन ने कोई ऐसी हरकत की कि उसके प्रोफेसर ने उसको मुंह पर कहा कि क्या तुम्हारे इस्माइली को जमात खाने में यह ट्रेनिंग दी जाती है कि यूनिवर्सिटी में आके तुम जुआ खेला करो। इस्माइलियों के घर में जहां देखो किसी जगह पर ऐसे ऐसे खेल निकाल रहे हैं, जुआ की सूरत दे रहे हैं, कहां जाना है आकर हमें। इमाम तो ताश खेलने के भी मना फरमाते हैं कि कोई क्रिएटिव काम करो, यह मुसलमान का काम नहीं है कि बैठे बैठे ताश खेलता रहे, कोई ऐसा काम करे कि दीन मजहब दीन दुनिया में आगे बढ़े, कुछ काम करे दुनिया के अंदर। इमाम की हिदायत है, इमाम के फरामीन है, हम कैसे हैं कैसे नहीं है उसकी वजह से हमारा इमाम का नाम बाहर होता है। एक आदमी ने बुरा काम किया, इस्माइली ने, बदनाम हुआ, इमाम ने फरमाया कि अगर इसके दिल में इस्माइली जमात के लिए जरा सी भी फीलिंग होती ना तो ये ऐसा काम नहीं करता, इसलिए कि कौम बदनाम हो रही है।
और जमात को बदनाम करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। बाज़ों का छोटी छोटी बातें कितनी मर्तबा मौला फरमाते हैं। हमारे खाने पीने में बहुत से दिनदार अभी भी सुपारी खाते हैं, हालांकि ये साफ फरमान है। आप कहेंगे भाई ये तो कोई खास, लाल मिर्ची और सुपारी का तो दुश्मन लगता है, लगता हूं शायद, लेकिन फरमान है। मेरा इमाम ये फरमाता है कि जब तक तुम एक बुरी आदत को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमको फरमान करता रहूंगा। हम इमाम के उसूल पे चलते हैं कि जब तक हमें जमात में ऐसी बातें नजर आए हम इमाम के फरमान को दोहराते रहें, क्योंकि इमाम ही के दाई हैं, इमाम ही के मिशनरी हैं, और हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि जमात में खड़े होकर हक बात करें। अगर इस जन्म में यह भी ना कर सके तो किस काम की है यह जिंदगी। सुपारी जहर एक साफ फरमान है, वो कोई इतनी बहुत बड़ी या लजीज या ऐसी कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। इमाम ने फरमाया इससे तुम्हारा कलेजा खराब होता है, तुम्हारे खून का पानी होता है। इमाम नहीं देखना चाहते हैं कि उनके रूहानी बच्चे कंगाल हो, कमजोर हो, अपने खानदान पे, अपनी जमात पे और अपनी सोसाइटी पे बोझ बन जाए कि आप हर रोज हॉस्पिटल लेके जाइए उसको। आज मुमकिन नहीं है। फैमिली में एक आदमी कुछ अरसा बीमार रहता है तो बेजारी होने लगती है, कुछ अरसा कोई बीमार हो तो लोग बेजार होते हैं कि बस अभी या ठीक हो जाए या छूट जाए जाने से, इतना टाइम नहीं है कि हम खिदमत करते फिरे इनका। इमाम नहीं चाहते हैं कि हम बोझ बने, खानदान का एक एक फर्द काम करे। लाल मिर्ची के लिए मौला का साफ फरमान है। सरकार अपने 48वें जामे में सलवात पढ़े दिनदारों, एक मरतबा हसनाबाद तशरीफ लाए बम्बई में, तो बम्बई के मुखी साहब ने भी ये बात बताई, हसनाबाद के मुखी साहब ने, और तस्दीक हुई कि वो औरत वहाँ पे भजिए पकोड़े भेजा करती थी जो हमारी बहुत ही लजीज और मरगूब गिजा है कि जिसके बगैर हमारे इस्माइलियों की अक्सरियत को नहीं चलता है, भजिए और पकोड़े के बगैर। इसलिए तो लोग एसोसिएशन में आके तंज कर जाते हैं हमें, इस्माइली एसोसिएशन को, कि तुम खोजे इबादत करते हो, तुम आलिम कौम हो, क्या कौम हो, तुम भजिया पकोड़े छोले खाने जाते हो या बंदगी करते हो। ये बाहर के स्कॉलर्स आके हमारे मुंह पे तमाचा मार जाते हैं एसोसिएशन, और हमें सुनना पड़ता है कि भाई क्या करें। हमारी बड़ी नाजुक सी और नाज़ो निअम में पली हुई जमात है, कुछ बोलेंगे तो बेचारे आप गिने टूट जाएंगे, इनके दिल को ठेस पहुंचेगी। जब इमाम बोल बोल के थक जाते नहीं सुनते तो हमारे आपकी कौन सुनने वाला है। सरकार जब वहां पहुंचे हसनाबाद में तो उस औरत ने कुछ भजिया पकौड़ा मौला की हुजूर में पेश की, तो इमाम ने फरमाया इसमें क्या क्या डाला है, लाल मिर्ची भी डाली है। हाँ जी हाँ, खुदा अच्छी तरह से डाली उसको, ऐसा कि हाजिर इमाम को बहुत पसंद है लाल मिर्च, तो खुदा अच्छी तरह से डाली है। अच्छा तो फिर और थोड़ा सा ले आओ मेरे लिए, अलग से ले आओ। और बहुत खुशी खुशी गए, इतना सारा अपने हाथ में लाल मिर्च उठा के ले आए। इमाम ने थोड़ा सा अपनी उंगली में लिया और अपने हाथ में यहाँ पे घिस, थोड़ी सी अपनी उंगली में लेकर अपने हाथ में घिस कर बताया कि देखो क्या है, तो छोटी छोटी फोड़ियां हो गई थी। इमाम ने फरमाया देखो ये है लाल मिर्ची, ये सख्त चमड़ी का ये हाल करती है तो तुम्हारे पेट का क्या हाल करती होगी। पिछले दिनों एक आदमी मिले कि भाई मैंने लाल मिर्ची तो खाना छोड़ दिया अभी। भाई क्यों? डॉक्टर ने साफ मना किया है, डॉक्टर ने साफ मना किया। अभी अकल आई है? जिस वक्त डॉक्टर को होश नहीं था उस वक्त मौला फरमा रहे थे कि लाल मिर्ची नहीं खाओ। आज मगरिब की दुनिया में लोग चाहते हैं कि हम सब्जियां ज्यादा खाएं, उस वक्त मौला बरसों पहले फरमा रहे थे कि गोश्त कम खाया करो, इससे तुम्हारी सेहत खराब होती है, तुम्हारा पेट कब्रिस्तान बनता है, सब्जियां ज्यादा खाया करो। डॉक्टर ने कहा तो छोड़ दिए, इमाम ने फरमाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। और यह इमाम का काम नहीं है कि हमको बताए, एक दफा फरमा दे बात खत्म। बाज़ औकात गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, जमात खाने में से कोई कटलेस है या पेटिस वगैरह की नांदी लेने को खौफ आता है कि उसमें भी लाल मिर्चियां होती हैं।
ये तो हाजिर इमाम की मेहमानी है, इमाम को खिलाते हैं, कम से कम इमाम के सामने इमाम को खिलाने से तो परहेज करे जो इमाम को पसंद नहीं है। ये तो ऐसी बात है कि हम अपनी जिंदगी में बड़ी आसानी से अमल कर सकते हैं। आखिर वो हमारे दावे, वो सारी बातें कहां गए? क्या हम अपने इमाम के लिए इतनी छोटी सी बात पे अमल नहीं कर सकते हैं कि बार बार इसको दोहराना पड़े? कहते हैं भाई लाल मिर्ची के बगैर लजीज नहीं होता है खाना। होता है, खाने वाले खाते हैं और अच्छी तरह खाते हैं, और अगर थोड़ी सी लिज्जत की कुर्बानी इमाम के लिए करनी पड़े तो करें। मैंने पहले कहा कि हमारे दिल में इमाम की जो कदरदानी होगी वो हमारे आमाल से रिफ्लेक्ट होगी। जितनी इमाम की कदर करेंगे इतनी फरमान बरदारी होगी। जमात खाने में मौला ने फरमाया, लिबास के बारे में हम तुम्हें खास ताकीद फरमाते हैं। लोग हमारे मुंह पर आकर पूछते हैं कि आखिर तुम लोग इबादत करने जाते हो, क्या करने जाते हो? हमारा जमात खाना हमारा मरकज है। दूसरे लोगों भी अच्छे लिबास पहनते हैं लेकिन उनका कोई मरकज नहीं है, वो शो में नहीं आते हैं, हम शो में आ जाते हैं, हम दिखावे में आ जाते हैं कि ये लोग, इनके पास बहुत पैसा है, बड़े आराम से सारे कौम का पैसा इनके पास है, और फिर ये इबादत के लिए जाते हैं। मौलाना हाजिर इमाम जब बंबई तशरीफ ले गए, एक जमात में तशरीफ ले गए तो हाजिर इमाम के सामने एक छोटी सी बच्ची लिपस्टिक लगा के बैठी थी, छोटी सी, बहुत नन्नी मुन्नी सी, खूब दबा के लिपस्टिक लगाई थी उसने। इमाम ने बहुत नाराजगी का इजहार फरमाया कि तुम इसी उम्र से इस बच्ची को जहर दे रहे हो। ये ऐसी बातें हैं, कम से कम जमात खाने में, हाजिर इमाम के घर में, यहां सब दिन भाई दिन बहने मां बाप हैं। मौला ने फरमाया कि तुम किसको दिखाने के लिए आते हो? अपने इमाम को, अपने बाप को? हम तो तुम्हारा दिल देखते हैं, हम तुम्हारे नियत को देखते हैं, हम तुम्हारे लिबास को नहीं देखते। दुनिया वाले लिबास को देखकर हम पे तंज करते हैं और हम उन्हें मौका देते हैं ऐसा करने के लिए, हम उन्हें मौका फराहम करते हैं कि वो हमें सुना जाए कुछ ना कुछ। आखिर वो कौन सी मजबूरियां हैं, वो कौन से पहाड़ हमारे सर पे रख दिए गए हैं कि हम इन फरामीन पे नहीं अमल कर सकते? कल को फिर इमाम को दोष देने की जरूरत नहीं है कि हमारे इमाम ने हमको आगाह नहीं किया था। बहुत से दिनदार इबादत बंदगी के बारे में कहते हैं कि बंदगी में ध्यान नहीं लगता, इबादत नहीं होती है, मजा नहीं आता है, कुछ बेचैनी होती है, उनकी जिंदगी में फरमान बरदारी की बड़ी कमी होगी। जो इमाम के फरमान पे नहीं चलते हैं, इमाम के फरमान को इग्नोर करते हैं, दुनियावी बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं, फिर बंदगी में ध्यान कहां से लगेगा? फिर सुकून, राहत और आराम कहां से मुयस्सर आए? मौला ने बहुत मर्तबा यह फरमान हमें फरमाया है, आज भी मौला दोहराते हैं, और इस एक चीज के बारे में हाजिर इमाम ने यह खुले अल्फाज में फरमाया है कि शराब और तंबाकू सिगरेट, इमाम ने फरमाया तुम ये नहीं समझना जब तुम सिगरेट पीकर उसके धुआं आसमान की तरफ निकालते हो तो तुम बड़े होशियार और इंटेलिजेंट और बड़े चालाक नजर आते हो। इमाम ने फरमाया तुम एक बहुत ही बुरी हरकत कर रहे हो। जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि जमात के एक हिस्सा होने की हैसियत से हमें इस बात की इजाजत नहीं दी गई है कि हम पूरी जमात के लिए बोझ बने, यही फरमान हाजिर इमाम ने फरमाया है कि हम नहीं चाहते हैं कि तुम शराब या सिगरेट के जरिए अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को इस हद तक डैमेज कर दो कि कल तुम्हारे खानदान पर एक बोझ बन जाओ तुम। इमाम ने फरमाया ये बात शुकूक और शुबहात से बालातर होकर साबित की जा चुकी है कि यह बीमारी की जड़ है, बहुत ही बुरी और गंदी आदतें हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें यह देखकर शर्म आती है कि लोग अभी जमात खाना से निकले हैं तो गेट पे सिगरेट चलाते हैं। आखिर इमाम हमारी भलाई चाहते हैं, हम अगर सिगरेट पीते हैं,
हम अगर शराब पीते हैं, हम अगर जुआ खेलते हैं या सट्टा खेलते हैं या इस किस्म के बुरे काम करते हैं, याद रखिए इससे इमाम के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि कम्युनिटी के लिहाज से इमाम की बदनामी होती है कि इस्माइली कम्युनिटी अच्छी नहीं है, अब बुरी हो गई है। मौला जब 1967 में बंबई तशरीफ लाए तो हसनाबाद में कुछ नौजवान लड़के जो बहुत खिदमत किया करते थे, हसनाबाद में जो इमाम हसन अली शाह नवाब सल्लल्लाहु अलैहि की मजार है उस पे चढ़ के हमेशा सफाई करते थे, और बारिश के दिनों में या धोना करना तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी, सिगरेट पीने के आदि थे। मुखी साहब से कहते थे कि भाई हमको जब हम गुंबद वगैरह धोते हैं तो वहाँ चढ़ के हमको सिगरेट पीने दो। मुखी ने कहा भाई ये तो इमाम का मकबरा है, वहाँ तुम्हें सिगरेट पीनी है। तो कहा चलो ऐसा करते हैं, हाजिर इमाम तशरीफ लाते हैं, हम मौला के हुजूर में इसकी इजाजत मांगेंगे कि हसनाबाद में जब हम इमाम हसन अली शाह माँ बाप के मकबरे को धुलाते हैं या बारिश वगैरह का मौका हो तो कम अज कम वहां हमें चूंकि आदि हो चुके हैं सिगरेट की इजाजत दी जाए। वो सब बैठे थे, हमने उनसे मुलाकात भी की जिन लोगों ने मौला से अर्ज करने का तहैया किया था। मुखी ने कहा ठीक है मौला तशरीफ लाए तो तुम अर्ज करना। फैसला किया कि मौला से गुजारिश करेंगे। हसनाबाद में इमाम तशरीफ लाए और फरमान के लिए खड़े हुए तो तोप का दहाना खोल दिया मौला ने सिगरेट पीने वालों के लिए, और ऐसे सख्त फरामीन फरमाए इमाम ने कि उस दिन से वो सिगरेट पीने वाले हसनाबाद के बेहतरीन मोमिनों में शुमार होने लगे। मुखी साहब कहते थे जो बेचारे गुजर गए कहते थे कि ये जिनका मुंह काला हो चुका था आज इनके मुंह पे रौनक और रोशनी नजर आती है इमाम के फरमान बरदारी की वजह से। विल पावर चाहिए। जमात में एक मर्तबा मौला का फरमान सुनाया गया, एक आदमी 15-17-20 साल के पुराने सिगरेट शराब की आदत छोड़ दी, मौला के हुजूर में मेहमानी गई, मौला ने बहुत दुआ आशीष दी, अच्छी आदत को अपनाने के कुछ रोज के बाद दुनिया से चला गया। इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं। साफ फरामीन है मौला के, मैं कोई नई बात आपको नहीं सुनाता, यह आदत है कि इंसान को रिमाइंड कराना चाहिए, हर बात को बार बार दोहरानी चाहिए ताकि जहन नशीन हो जाए। ये ऐसे फरामीन है, हम गौर करें अपने जिंदगी में। इमाम हमारी भलाई चाहते हैं, हमारी बहबूदी चाहते हैं, हम इसी सूरत में आबाद होंगे कि वचने वचने पांव भरू, हमारा एक एक कदम सरकार मौलाना हाजिर इमाम के फरमान के मुताबिक उठे। मौला गज जमात को अपना हकीकी फरमान बरदार मोमिन बनाए, गज जमात के तमाम गुनाह माफ करे, नेक उम्मीदें पूरी करें, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत आबाद रखे, दीदार नसीब करें। सलवात पढ़े दिनदार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि।